उनको यहाँ की जनता ने अब ठीक करना शुरू कर दिया। स्पीड ब्रेकर दीजिए, उनकी इसमें आवाज तुम दोनों का चुनाव आयोग पर भड़काना और मोदी को गालियां देना, ये सब आप देख रहे हैं ना। दीदी की ये बौखलाहट तब और बढ़ जाती है कि जब मैं कहता हूं जो दुष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। साथियों, आसनसोल की इस धरती से मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही को बधाई देना चाहता हूं। यहां के मतदाताओं के सामने सर झुकाकर नमन करना चाहता हूं। पहले दो चरणों में जिस तरह आपने अपने बुद्ध की रक्षा की है सामान्य जन के लोग, लेकिन दीदी आपको ये भी तो बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान से आप अपने रोज रैली से लाए फूल लेकर संबंध रहेगी क्या ये रोज रैली के फूलों से पाकिस्तान मान जाएगा? क्या आतंकियों से आप ये कहोगी कि आपने अपने आतंकी होने का सबूत लाओ, आप उसको आतंकी होने का सबूत मांगोगे क्या? और आप लोगों को ये भी बताइए कि जम्मू कश्मीर के लिए दीदी कोलकाता में हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहे थे आप लोग, जम्मू कश्मीर को भी बात लेके आए थे। दीदी जरा बताइए ये कोलकाता में जिनके हाथ पकड़ करके सारे नेता उछल कूद कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री चाहिए। इसी धरती के संतान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। आज जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की बात हो रही है और वो आपके साथ मंच पे बैठ करके हाथ उठा उठा करके मोदी हटाने के लिए नारा लगा रहे हैं। क्या दीदी आप भी चाहती हो कि हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री हो? साथियों, पश्चिम बंगाल जानना चाहता है कि एयर स्ट्राइक एक सर्जिकल स्ट्राइक के समय दीदी पाकिस्तान में पक्ष में आपने जो आंसू बहाए क्या वही उनकी नीति है क्या? साथियों, ये आसानसोल म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है, ये 130 करोड़ के पांच एकड़ निर्माण करने वाला चुनाव। देश की सुरक्षा के मुद्दे
महल बाजते हैं। इसलिए ममता दीदी, आपको इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। महान मिलावट की हांडी पर अपनी खिचड़ी पकाने से बात बनने वाली नहीं है। अरे नियत भी स्पष्ट होनी चाहिए और नीति भी साफ होनी चाहिए। वैसे साथियों, ममता दीदी की जमीन खिसक चुकी है। अब उनका सूर्य तपता नहीं है, वो अस्त होने लगा है और इस बात का अंदाज उनको भी है। पीएमसी की आज ये स्थिति हो गई है कि रैलियों में एक राज्य का मुख्यमंत्री जब सरेआम गरीबों को लूटने वालों के पक्ष में खड़ा हो जाए तो स्थिति आप समझ ही सकते हैं। भाई और बहनों, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी मारे गए, इस बात का तो उनको सबूत चाहिए। लेकिन गरीबों की कमाई को किसने लूटा, उसके सबूतों को मिटाने का ये दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं। साथियों, आज दीदी जगह जगह कहती फिर रही है कि वो देश को अपनी पार्टी वाला डेवलपमेंट मॉडल देने वाली है। आखिर क्या है दीदी का डेवलपमेंट मॉडल? साथियों, स्पीड ब्रेकर दीदी का ये मॉडल किस चीज पर आधारित है? ये आधारित है तृणमूल टोलाबाजी टैक्स पर। उनका मॉडल आधारित है कॉल माफिया, बालू माफिया, आयरन माफिया और जमीन माफिया पर। उनका मॉडल है पहले घुसपैठियों को आने का रास्ता दो और फिर पश्चिम बंगाल के संसाधनों में उन्हें लूट का हिस्सा दो। भाई और बहनों, नौजवानों के लिए, उनके लिए भी स्पीड ब्रेकर दीदी ने एक अलग सा डेवलपमेंट मॉडल विकसित किया है। पहले तो यहां नौकरी की दिक्कत, नौकरी मिलती है तो वेतन नहीं मिलता, जिनको वेतन मिलता है उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलता, वेतन में बढ़ोतरी होती नहीं, जिनकी तनख्वाह कुछ बढ़ती है